ओहो, जमी हुई है रोड पे बर्फ। ओहो, स्लिप हो गया था हल्का सा। हल्का तभी स्लिप हो गया ना, लैपटॉप है बैग में, ध्यान से चलना पड़ रहा है। स्टेप नहीं गिर गई, टायर गिर गया पीछे, ये यही 150 मीटर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रॉम डुडू वैली। एक्चुअली डुडू वैली मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, तो आज के व्लॉग में डुडू वैली का कुछ खास मैं आपको दिखाने नहीं वाला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं विंटर साइड ऑफ जम्मू को देखने और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। विंटर साइड अभी आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी बर्फ है, जबकि यहाँ पर इस मौसम में 2-2, 3-3 फुट होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे अभी यहाँ पर बर्फ़ नहीं है। बट मेरे हाथ में नहीं है, नेचर के हाथ में है। बर्फ़ मिल गई तो दिखा दूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं दिखाऊंगा। एनीवेज, आज का प्लान हमारा ये है कि आज हम यहाँ से निकल रहे हैं भदरवा। शायद मैं अकेला निकल रहा हूँ, शायद मेरे फ्रेंड साथ में चलेंगे, इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उनको अपना कुछ काम भी है, तो हो सकता है वो अलग रास्ते निकल जाएं। ये रास्ते में ही डिसाइड होगा। वो लोग अपनी गाड़ी पे निकल चुके हैं, मेरा बस सामान पैक हो रहा है, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। तो आज अपना जो ट्रैवल स्टार्ट करते हैं भदरवा के लिए, आई होप रास्ता खुला हो और एडवेंचर भी मिले। पर अगर अकेला हूँ तो उस टाइप का एडवेंचर ना मिले, क्योंकि बैग्स बहुत होने वाले हैं, बाइक बहुत हैवी हो जाएगी, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। बाकी यही वो प्रॉपर्टी है जहाँ पर मैं एक्चुअली स्टे कर रहा था पिछले। अरे कहाँ छोड़ दिया क्या, मैं भी दूँ अभी, बंद क्यों कर दिया। तो यहीं पर ही हम पिछले 2-3 दिन से फुल और मस्ती कर रहे थे, खा पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, फुल मस्ती करी है यहाँ पर। ये मेरा दूसरी बार है यहाँ पर आना, मेरे दोनों बैग्स रेडी हो चुके हैं, बैकपैक रेडी हो चुका है, बाइक पे सामान लोड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। साढ़े 11 हो गए, आओ फोटो बनाए, बाय। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर, जय माता दी। तो यही था अपना डुडू वैली, जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी बर्फ़ नहीं मिली। ये नहीं तो ये वाली रोड पूरी बर्फ़ से ढकी होती है, बट कोई बात नहीं, नेचर वाली बात है, मेरे हाथ में तो है नहीं ये। एनीवेज, टाइम 11:30 हो चुके हैं, मेरे फ्रेंड जो है ना वो निकल चुके हैं 11 बजे के आसपास, मैं आधा घंटा उनसे पीछे चल रहा हूँ, तो वो कोई श्योरिटी भी नहीं है वो मेरे साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, पर जो भी होगा देखा जाएगा। मेरा तो कन्फर्म है, मैं जा रहा हूँ भदरवा, और जहाँ मेरा जाने का प्लान है ना, वहाँ पर पहुँच पाना भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बर्फ़ कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है रोड पे, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी यार, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं पहुँच पाऊँगा तो पहुँच पाऊँगा, नहीं तो कहीं और स्टे कर लूँगा, देखा जाएगा। तो ये जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ है ना, कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी तो ये ऊपर ऊपर है, बीच बीच में भी होती होगी तब कितना खूबसूरत लगता होगा। एनीवेज, मुझे लगा था कि मैं अपने दोस्तों को चिनानी नाशरी टनल के आसपास पकड़ूंगा, लेकिन मैंने उन्हें बहुत जल्दी पकड़ लिया, ये जस्ट मेरे आगे ही चल रहे हैं। और अभी भी चिनानी नाशरी टनल पहुँचने में हमें 1 घंटा कम से कम लगेगा, 1 घंटा नहीं तो कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। और एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि अभी ये मान गए हैं भदरवा जाने के लिए। मेरा तो मन है जीप वीप ले जाएँ तो और मज़ा आ जाए, लेकिन अगर ये एसी पे कंफर्टेबल है तो यही गाड़ी चली जाएगी, पर ये है कि अभी भदरवा जाना हमारा फाइनल हो चुका है। तो भदरवा का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से है लगभग 80 किलोमीटर, जिसको करने में हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। टाइम हो चुका है 3, वही 6 बजे जो मैंने बोला 6 बज जाएंगे। ठंडा ठंडा वेदर लगना शुरू हो चुका है, जैसे जैसे शाम होगी फिर मेरी बैंड बजेगी, क्योंकि जैसे हम डुडू वैली गए थे तो शाम के वक्त पहुँचा था 6 बजे, मेरे हाथ भी बिल्कुल गीले हो गए थे, मतलब ठंड की वजह से, और मेरी सॉक्स और मेरे जूते भी एकदम ठंडे हो गए थे। और भदरवा भी जो है वो भी एक अच्छे खासे पॉइंट पे है, ऊंचाई पे है, तो आज फिर
4:30-5 बजे तक ठीक रहेगा वेदर मेरे लिए, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए पता है मैं पहले पूरा प्रिपेयर्ड रहता हूँ, मैं अपने रेन लाइनर पहले ही पहन लेता हूँ ताकि मुझे बीच में रुकना ना पड़े। गंदी रोड का सिलसिला शुरू हो चुका है, मतलब ये वाले पास मुझे अच्छी तरह से याद है कुछ किलोमीटर तक का गंदा था, अभी थोड़ा सा बना दिया तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये पैच बेकार है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी है। पीछे वाला टायर तो ऐसे झूल रहा है मेरा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हाँ, रोड सही हो गई अब, बड़ी देर से ऑफ रोडिंग वाला पैच चल रहा था, स्लिपरी वाला खासकर, अब ठीक है। टाइम हो चुका है 5, 1 घंटे में हो जाएगा अंधेरा और हमें लगभग 1 घंटा ही लगेगा अभी पूरा भदरवा पहुंचने में। जो भदरवा है यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 20 किलोमीटर रह गया होगा, और अभी मैं वेदर फॉरकास्ट चेक कर रहा था यहीं अभी 5 मिनट रुक के, तो वेदर फॉरकास्ट में दिखा रहा है कि रात को स्नोफॉल होनी है, मतलब आज के दिन 8, 9, 10 बजे के बाद ही लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, तो 10 बजे के बाद स्नोफॉल होनी है, और कल का पक्का नहीं है, शायद हो शायद ना हो, लिखा तो है कि स्नोफॉल होनी है कल, अगर कल हो जाए स्नोफॉल और मुझे पूरा एरिया वाइट वाइट दिखे ना तो मज़ा आ जाए, बस आँख खोलूँ और पूरा का पूरा एरिया वाइट दिखे, क्योंकि ये जो रूट है मैं ज़्यादा बिल्कुल भी शूट नहीं कर रहा, ये वाली शूट में सारा भदरवा का पूरा रूट या यहाँ से जाने का रूट पूरा दिखा चुका हूँ मैं अपनी जम्मू एक्सपेडिशन की सीरीज़ में, तो वो सीरीज से हट के कुछ करने के लिए ही मैं ये वाला रूट सारा कवर नहीं कर रहा, बस मेन अगर कुछ बात करनी होती है तो आपसे बात कर लेता हूँ। आई विश आई होप डूडू में तो उस हिसाब से रोड पर नहीं मिली स्नोफॉल, पहाड़ों पर ज़रूर थी, 2-4 दिन पहले ज़रूर हुई थी, लेकिन अगर आंखों के सामने हो ना स्नोफॉल तो वो एक अल्टीमेट फीलिंग होता है, और अगर रात को या कल हो जाए तो मज़ा आ जाए। भैया बर्फ़ तो है ही नहीं यार। क्यों नहीं भैया, कहाँ है, दिख नहीं रही। जाई में जाओ, जाई में नहीं जाना, यहाँ पर भदरवा में पे नहीं, यहाँ कम ही होगी। अब जाई जाओ गुल्ली डंडे जाओ। नहीं नहीं जाए गुल्ली डंडा नहीं जाना, भदरवा में नहीं है बर्फ़, ऊपर भी नहीं मिलेगी। हाँ मिलेगी, कल होगी स्नोफॉल। ये जब बर्फ़ पड़ती है तो पूरा हो जाता है, यहाँ पर भी आती है बर्फ़, पर जब जैसे पहाड़ों पे ज़्यादा होगी ना, हाँ फिर नीचे पड़ेगी थोड़ी बहुत। अच्छा ऐसा सीन है। आप किधर से आए हो? दिल्ली घूमने। घूमने कब आए? आज ही, अभी तो आया मैं आपके सामने। सो ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ना, इसकी भी बहुत पवित्र मान्यताएं हैं, अब क्या है वो मुझे पता नहीं है, पर प्राचीन मंदिर है ये वाला, वासुकी नाग जी का मंदिर है, 2070 वर्ष पुराना मंदिर है ये वाला। सो अब हम जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट अपने होटल भदरवा का, जो सबसे अच्छा होटल है द साज वैली रिजॉर्ट, पिछली बार भी हम वहीं रुके थे तो इस बार भी हम वहीं पर ही रुकने वाले हैं, बहुत प्राइम और बहुत अच्छी लोकेशन पे वो होटल बना पड़ा है, रिजॉर्ट है बेसिकली वो, और उनके जो ओनर है ना वो एक्चुअली मेरे को देख रहे थे इंस्टाग्राम पे ही कि मैं जम्मू में आया हूँ दोबारा, और जम्मू को फिर विंटर साइड ऑफ जम्मू देखने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, तो उनका 3-4 बार कॉल आया कि अगर तुम इधर आओगे भदरवा तो डायरेक्ट आपको साज वैली रिजॉर्ट में आना है, तो हमने कहा ठीक है डायरेक्ट, हमने देखा भी हुआ है वो प्रॉपर्टी भी देखी हुई है और सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी ही है यहाँ की, और मुझे देखो यहाँ पर बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है। ये बस एक प्रॉब्लम होती है रात का समय पर जो मैं पहुँचता हूँ ना, ये हमारे भाई साहब आगे गाड़ी में तो ठीक है, गाड़ी में चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम मुझे हो जाती है। तो ये पता नहीं कितने दिन पहले की बर्फ़ पड़ी हुई है, शायद 3 दिन की पहले की बर्फ़ है ये, 2-3 दिन पुरानी बर्फ़ है, क्योंकि उसके बाद तो स्नोफॉल नहीं हुआ इतना, परसों हुआ था शायद, परसों या उससे एक दिन पहले, लेकिन प्रिडिक्शन है कि 1-2 दिन में अगर स्नोफॉल हो जाए तो ये पूरी रोड भी वाइट हो जाएगी। आई विश आज रात को पूरा स्नोफॉल हो जाए ताकि कल सुबह उठे ना तो पूरा का पूरा वाइट दिखे, पूरा का पूरा भदरवा वाइट दिखे, मेरा बड़ा मन है वाइट भदरवा देखने का,
तभी हमारी सीरीज कंप्लीट होगी विंटर साइड ऑफ जम्मू की, कि जम्मू में विंटर साइड ऑफ जम्मू जो यूजुअली लोगों ने नहीं देखा तो मैं तसल्ली से उनको दिखा पाऊँ। ठंड लग रही है। हाँ देते ठीक हो भैया? मैं ठीक हूँ। सो अपनी बाइक जो है यहीं पर ही पार्क कर दिया और अभी बैठे हम जस्ट चिल कैफे में। और अभी क्या टाइम हो गया होगा? सो अभी 6:30 के आसपास हो चुका है। ये क्या मंगाया हम लोगों ने? पनीर पकौड़े। तो ये अभी पनीर पकौड़े हम ऑलमोस्ट टाइम पे पहुंच ही गए हैं और अभी भी हमारा डिस्टेंस जो है अभी कितने दूर होगा हमारा? 2 किलोमीटर है खाली। तो खाली दो किलोमीटर है खाली। तो 2 किलोमीटर खाली रह गया, इसको फिनिश करते हैं और फिर चलते हैं अपने डायरेक्ट होटल में। तो अभी हमारा अच्छा खासा खाना पीना हो गया जस्ट चिल कैफे में और हमें वापस यहाँ पर हमारी दीदी मिली। नमस्ते दीदी। तो दीदी ने जब तक मैंने हेलमेट पहना होता ना तब नॉर्मली नमस्ते करी, जब मैंने हेलमेट उतार के ऐसी दीदी को देखा तब दीदी ने पहचाना कि हाँ इसके YouTube चैनल के ऊपर मैं आई थी। आपने देखा अपना वीडियो? देखा, बहुत अच्छा। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। तो आए कुछ लोग आए यहाँ पर उसके बाद में? उसके बाद बहुत लोग आए, बहुत लोग आए भद्रकाशी में। भद्रकाशी में लोग टूरिस्ट बहुत आ रहा है। धन्यवाद आप लोगों का जो आपने मिस कर दिया हमारा रेस्टोरेंट। नहीं 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 नहीं, हमारा तो बस यही होता कि जहाँ हमें अच्छा लगता है हम कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी पता लग जाए कि हाँ ये अच्छी लोकेशन है, यहाँ आप आके खा पी सकते हो। अच्छा आपके रहने का होता पर सर्दियों में नहीं देते आप रहने के लिए? सर्दियों में क्योंकि पानी की दिक्कत आती है। पानी जम गया होगा अभी? पूरा पूरा जम गया और साथ में लाइट की दिक्कत आती है, लाइट नहीं होती है। अच्छा एक और चीज बताओ, अभी जो मैं आ रहा हूँ तो मेरे को कोई बर्फ नहीं दिख रही, मैं तो बहुत खुशी खुशी आया था। मेरे को पिछली बार आदित्य ने बोला था कि पूरी व्हाइट व्हाइट हो जाएगी चादर, और ऐसे लग रहा है कि कल बोला है कि 100% होगी, लेकिन होगी होगी होगी। तो ये पूरा पूरा मुझे व्हाइट दिखेगा, व्हाइट रोड भी व्हाइट दिखेगी, व्हाइट। चलो दीदी ने भी बोल दिया अगर ऐसा होगा। देखो ये खराब आदित्य, एक्चुअली पिछली बार जब मैं आदित्य से मिला था ना तो आदित्य ने मुझे कहा था कि आप विंटर्स में आना तो आपको दिखाएंगे व्हाइट, मतलब व्हाइट अपना भद्रकाशी भद्रवा कैसा दिखता है, लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लेट हो गए अंकित भैया, ये तो 2 दिन पहले इधर बहुत बर्फ थी। रोड वे बिल्कुल बंद था, ये पूरा बंद था। तो अभी थोड़ा सा थोड़ा साफ हो गया, धूप वगैरह पड़ी 1-2 दिन में, मगर अभी शायद आज शाम को कल सुबह फिर ये पूरा व्हाइट हो जाएगा दोबारा, व्हाइट हो जाएगा पूरा। तो देखो फिंगर क्रॉस, अगर हो गया तो आपको कोशिश करूंगा, जो इन्होंने मेरे को पिछली बार कहा था ना व्हाइट भद्रवा कैसा दिखता है, तो कोशिश करूंगा आपको व्हाइट भद्रवा दिखाने के लिए। मेरे फ्रेंड जा चुके हैं, मैं अकेला रह गया, यहाँ से निकलता हूँ और डायरेक्ट अपने होटल पे चलते हैं अभी। तो 2 दिन पहले तक ये जो आपको रोड दिख रहा है, ये रोड कुछ भी नहीं दिख रहा था 2 दिन पहले तक। यहाँ पर इतनी बर्फ गिरी हुई थी और मुझे पहले ही ये बताया था कि ये वाली रोड पे चलाना मुश्किल हो जाएगा बाइक, इसके लिए मैं थोड़ा हेजिटेट हो रहा था अकेले आने में, क्योंकि इस जगह का मुझे कोई आइडिया नहीं था। इसी के लिए मैं इनको बहुत फोर्स किया था, अपने दोस्तों को किया, यार चलो साथ में, पता लगे मेरा इतना सामान हो, रहने का अरेंजमेंट हो ना पाए, क्योंकि जैसा दीदी ने बोला ना होटल वोटल अभी रेंट पे नहीं दे रहे क्योंकि पानी जम जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फिर, क्योंकि लोगों को तो चाहिए ना रेंट दिया तो उस हिसाब से फैसिलिटीज़ पूरी चाहिए, तो बस यही सीन हो जाता है। ये वाली रोड पूरी की पूरी वाइट हो जाती है, रोड अभी भी गीली है, रोड से अभी हटाई होगी बर्फ आज या कल में ही, पूरी पूरी बीच में गीली रोड है। ओ वाइजर खोल के चला रहा हूँ क्योंकि बंद करके दिख नहीं रहा, अंधेरा बहुत ज़्यादा है और मेरे ना सर में दर्द होने लग गया, इतनी ठंडी हवा लग रही है। यूजुअली मैं बहुत बार ऐसा नहीं होता कि पहली बार ऐसे मैं वाइजर ओपन करके बाइक चला रहा हूँ, मैं बहुत बार ऐसे एक्सट्रीम से एक्सट्रीम ठंड में भी वाइजर ओपन करके चलाता हूँ, लेकिन अभी ये जो ठंड है ना ये चुभ रही है मेरी आँखों में और मेरे सर पर चुभ रही है, ये मेरा सर मेरा हेडेक कर रही है, इतना दर्द और कर रही है। ओहो जमी हुई है रोड पे बर्फ। ओहो स्लिप हो गया था, हल्का सा स्लिप हो रहा टायर। यही होता रात के समय थोड़ा सा ना, मुझे लगा कुछ नहीं होगा निकल जाएगा, दो बार स्किड मार गया टायर।
सो हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे आज की, द सास वैली रिजॉर्ट। यहाँ से गाड़ी ऊपर चढ़ानी है। ओहो, गाड़ी चढ़ने का तो रास्ता ही नहीं है, लेकिन बंद भी है। ओहो, ग्लव पहन लूँ पहले, तभी चल पाऊंगा इसको पकड़ के। हल्का तभी स्लिप हो गया ना, लैपटॉप है बैग में, ध्यान से चलना पड़ रहा है। मैन डबल है तो ऐसे बुला फोन करो। हां आप लिख लो एक बार ना। नहीं यार कोई वही ऐसे बात। 778 पैर धस जाता पूरा अंदर ही। ये देखो, ये मेरा पूरा अंदर गया पैर। ओ भाई साहब, पूरे पूरे जूते अंदर जा चुके हैं मेरे। और अभी हम जा रहे हैं यहीं पर ही, तो यहाँ पर बुखारी जलाई है शायद, तो हमें कहा बुखारी जला दी। और जो इस होटल के ओनर है वो हमारे लिए, मतलब वो तो हमारे जान पहचान के अच्छे दोस्त ही हो गए हैं, तो उन्होंने ये बेसिकली हमें इनवाइट किया था कि यहीं पर ही आना तुम, कोई और खुला नहीं होगा। तो वो हमारे लिए डिनर विनर का भी अरेंजमेंट करने गए हैं, बाहर से हमारे लिए खाना आ जाएगा। ओह शिट, सास रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर एक्चुअली बुखारी का इंतजाम हो रहा है। शब्बीर भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? खुद ही लगे पड़े हैं, क्या बात है। तो ये एक्चुअली इनका रेस्टोरेंट एरिया है, तो अभी तो ऑब्वियसली सारा पैक्ड कर रखा है। सबसे पहले आपको टाइम बताऊं तो इस समय रात के 12:15 बज रहे हैं, और अभी जस्ट हम रूम में आए हैं क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, हमारा डिनर हो चुका है। मेरा एक्चुअली मन था मैं आपको बाहर ना इग्लू दिखाऊं कि अंदर कैसे सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने बना रखा है इग्लू के अंदर, बट अभी रूम में आ चुके हैं और अभी जस्ट लाइट आई है, तो दोबारा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर दोबारा जाऊं, क्योंकि अभी टेम्परेचर -3 डिग्री हो चुका है और कह रहे कि अभी -6 डिग्री आराम से चला जाएगा। अभी मैं चेक भी कर रहा था एक्यू वेदर पे, तो बहुत ज्यादा ठंड है। अभी जितना भी मैंने ट्रेवल किया ना, तो ये एरिया सबसे ज्यादा ठंडा है। कल का सीन है, शायद वेदर फॉरकास्ट में आ रहा है कि शायद स्नोफॉल भी हो, आई एम नॉट श्योर, देखा जाएगा जो भी होगा। बाकी आज का ब्लॉग मुझे लगता है यहीं पर ही मुझे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि आज हमें बस भदरवा तक ही आना था। तो किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, पार्टनर साहब हमारे सो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, राइट हार्ट राइट सेफ, दिस इज मी ड्रीम्स इज द साइनिंग ऑफ। देखो लाइट फिर गई, बाय।